हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ डॉक्टर सुष्मिता। आज मैं बात करने वाली हूँ जलसीबियम होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो चलिए जानते हैं, जलसीबियम जो दवा है वो एक प्लांट बेस्ड रेमेडी है, मतलब कि एक पौधे से तैयार की जाती है, जिसका नाम है येलो जैस्मिन। तो ये येलो जैस्मिन नामक पौधे से बनाई जाती है। जब भी हम जलसीबियम दवा के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 D's दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर। द फर्स्ट वन इज अ डलनेस, डिजीनेस एंड द ड्राउजीनेस। मतलब पेशेंट को हर समय पे बहुत ही ज्यादा वीक, बहुत ही ज्यादा लो फील होता है, तो उस समय पे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही जलसीबियम के पेशेंट में आपको ट्रेम्बलिंग, वीकनेस एंड द डिजीनेस, ये तीनों चीजें भी साथ में मिलती हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या है, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर अक्सर करके जो नॉर्मल वैल्यू है आपकी 120/80 उससे भी बहुत ज्यादा डाउन रहता है, उस समय पे ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो इन्हें फोकस करने में या कंसंट्रेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो उस समय पे भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो एक तरीके से ये दवा जो है आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस जो है आपका, उसको रिलीज करने में बहुत ही हेल्प करती है। जलसीबियम जो दवा है, हम इसका इस्तेमाल पैरालिसिस के केसेस में भी बहुत ज्यादा करते हैं, बट उसके लिए पेशेंट की सारी केस हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट सेफ इन सच केसेस। जैसे मैम के पेशेंट में उसकी आंखों पे बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, मतलब कि वो अपनी, उसको ऐसा लगता है सिर्फ आंखें बंद करके लेटा रहे, इस तरह की उसको सेंसेशन रहती है। अगर किसी पेशेंट को डैम्प वेदर, मतलब कि जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है या फिर जब ठंडा मौसम हो जाता है, उस समय पे अगर किसी तरह की समस्या होती है, वो बार बार हो रही है, फ्रीक्वेंटली रीअकर हो रही है, ऐसे केसेस में जलसीबियम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट देती है। जलसीबियम का जो पेशेंट रहता है उसमें एक फियर बहुत ही माउंट होता है, उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि थोड़ी ही देर में उसका जो हार्ट बीट है वो रुक जाएगी। तो अक्सर करके ऐसे लोग कोई भी बुरी खबर सुनते हैं या कुछ ऐसा एंग्जाइटी वाली चीजें अगर उनके सामने होती है, तो उस समय पे जो पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी हो जाते हैं कुछ लोगों को। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हेडेक की कंप्लेन रहती है, और अक्सर करके जो दर्द है वो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लिंक्ड है, मतलब कि अगर किसी को नीचे गर्दन करते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसका पेन नेक से हो तो ये फ्रंट में आता है, मतलब कि उसको अक्सर करके दर्द शुरू यहाँ से होगा, फिर धीरे धीरे करके ओवर द फ्रंटल एरिया ऑफ योर हेड वहां पर फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आंखों पर भी दर्द बना रहता है। इस तरह का अगर किसी को कोई सिम्टम आता है तो उसके लिए जलसीबियम बहुत ही अच्छी दवा है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होता है तो अक्सर करके वो बहुत बार वॉशरूम जाते हैं, मतलब कि अगर उन्हें बाहर मंदिर तक भी जाना है, दे यूज टू गो टू द वॉशरूम एंड दे यूज टू गो ओवर देयर, मतलब उन्हें कुछ भी काम करना है उन्हें वॉशरूम जाना ही पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द एंटिसिपेशन और एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए जलसीबियम बहुत ही अच्छी दवा है। इससे दो फायदे हैं, इससे आपकी एंग्जाइटी भी शांत रहेगी और आपको एंटी एंग्जाइटी पिल्स नहीं लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उन मेडिसिन का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है आपके मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट पे अगर देखें तो। अगर किसी की कंप्लेंट्स एक्यूट हैं, मतलब कि ये जो अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई वो आप थोड़े समय से फेस कर रहे हैं, तब आप इस मेडिसिन को 30% से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी की क्रॉनिक कंप्लेंट है, मतलब कि उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा समय हो चुका है और आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर चुके हैं उस चीज के लिए, तब उस समय पे डोज जो होती है वो पेशेंट के बाकी केस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है, तो उसमें पोटेंसी पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है क्रॉनिक कंप्लेंट्स में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.